Colonel Nanda. Jai Hind. Jai Hind. This is Richard Parker, MI6. You have a gift for my country. Indeed. Please come. कैसे पकड़ा गया? हीथ्रो एयरपोर्ट पर, फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ. ओमार जफर, इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिसे हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं. कर क्या रहा था वो लंदन में? रशियन कोस्ट पे कोई प्राइवेट आइलैंड है, सुना है उसे खरीदने आया था. टेररिज्म के बिजनेस में रिसेशन नहीं होता ना? हाँ माँ. हाँ जी माँ. पहुंच गए? मैं करता हूँ आपको थोड़ी देर में. सब ठीक है ना? या ऑल ओके. स्वेटर पहना? हाँ माँ, स्वेटर पहना है. नहीं पहना होगा. आपको कैसे पता नहीं पहना है? तुम दोनों की ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है? अच्छा सुन, जय कह रहा था. करता हूँ थोड़ी देर में. बाय. वेलकम कर्नल नंदा. बड़ी शिद्दत से आप हमें तलाश रहे थे. मैं खड़े होकर सैल्यूट करता, मगर क्या करें, हाथ में पिज्जा है और आज मैं थोड़ा सा थका हुआ. वुड यू लाइक अ स्लाइस? तुम खाओ. एक बार तैयार पहुंच गए फिर पिज्जा सीधा फांसी की तरफ मिलेगा. आखिरी ख्वाहिश पे, वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ. वेकअप कर्नल, ये तुम्हारा दिल्ली नहीं, लंदन है लंदन. मुझे एक बात बताओ, आज तक कितने मुजरिमों को तुम लोग यहां से हिंदुस्तान ले जा चुके हो? नन, एक भी नहीं. एक नई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इस वक्त तैयार की जा रही है, जिससे किसी देश के मुजरिम को बिना अपील 72 घंटों के अंदर अपने देश रवाना कर दिया जाएगा. बहुत जल्द तुम हिंदुस्तान की अदालत में हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगोगे उमर सफर. और फिर क्या? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, ये जज के लिए, और ये पुलिस और नेताओं के लिए. भूखों का देश है तुम्हारा कर्नल, मक्कारों का देश, जहां हर कोई कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए खड़ा है. और तुम्हारे कुछ नेता अपने सफेद चोगे उतारकर करप्शन के बाजार में हमेशा नग्न नाच करने के लिए तैयार रहते हैं. अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या हो, उनकी तरह मक्कार या उनके आगे तुम हिलाने वाला कुत्ता? कोई आखिरी ख्वाहिश? मे बी सम पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज. हाँ, मगर तुम्हारे पास 30 मिनट है कहां, क्योंकि तुम्हारी मौत का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है.
जो देश के लिए लड़ते हैं उनकी मौत का काउंटडाउन उनकी पहली सांस के साथ शुरू हो जाता है। तूने बहुत लोगों की जाने ली होंगी सफर, पर इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में तुझे अपनी मौत नजर आएगी। ट्रिगर दबाते ही तेरा भी काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 0 आखिरी बार अपनी मां से बात करना चाहोगे? नई ट्रीटी के बारे में तुमने सुना है? सुना है भाई, हमारा एक भी आदमी कहीं महफूज नहीं रह पाएगा अगर ये ट्रीटी साइन हो गई तो। नहीं होगी, एक पुराना जख्म जो अब तक नहीं भरा उसे ताजा करना होगा। कोहिनूर, कोहिनूर चुराना तो नामुमकिन है। मुमकिन करो हमीद, मुझे कोहिनूर चाहिए और चुराने वाला हिंदुस्तानी होना चाहिए। 120 करोड़ की आबादी में कोई तो होगा जो ये काम कर पाएगा। ढूंढो उसे। So we now have official confirmation that the Koh-i-Noor has just been stolen from the Tower of London. ये कैसे हो सकता है? टावर ऑफ लंदन के सिक्योरिटी गार्ड के आंखों के सामने से कोहिनूर हीरा चोरी हो गया हो। टावर ऑफ लंदन की सुरक्षा में सुरंग की बातें भी खबरों में आ रही हैं, लेकिन MI6 इन बातों को बेबुनियाद बता रहे हैं। When the collection was open for inspection, they realized only the Koh-i-Noor was missing. लगे तकरीबन 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। इस जांच के बाद ही शायद कुछ चीजें साफ हों। और अब हम आपके सामने लाना चाहते हैं कोहिनूर का विस्तृत इतिहास। कहा जाता है कोहिनूर का जन्म हुआ तमिलनाडु की धरती में और जवानी बीती दिल्ली, राजपूत, मुगल, अवशारित, दुरानी और सिखों के ताजों पर। जब अंग्रेजों ने भारत को लूटा और क्वीन विक्टोरिया बनी एम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो भारत के ना चाहते हुए भी अंग्रेज अनमोल कोहिनूर को सात समुंदर पार ब्रिटेन ले गए। खेद है हमें रुकावट के लिए। There was one unidentified male found in the Tower of London. कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई तस्वीर नहीं। ये कोई मामूली नहीं, बड़ा ही शातिर चोर है। इस चोर को हिंदुस्तान का हीरो बताया जाता है। तो कौन है ये आदमी? इनविजिबल चोर, कोहिनूर चोर, इन्हीं कुछ नामों से लोग उसको बुला रहे हैं। Who is this? सदी की सबसे बड़ी चोरी जिसका कोई सुराग नहीं। इस चोर और पुलिस के खेल में कौन जीतेगा ये तो पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उस चोर का चेहरा जरूर देखना चाहेंगे जिसने बड़ी सफाई से बेशकीमती कोहिनूर हीरा उड़ा दिया। कौन है ये, कहाँ है ये, कब पकड़ा जाएगा ये? पुलिस को इसकी तलाश है, लेकिन वो कहाँ है किसी को पता नहीं। Thank you.
हरलीन, ओ तू नहा रही है? दादी बाहर जाओ। हट। दादी प्लीज बाहर जाओ ना। चुप। बचपन से तुझे बिना कपड़ों के देखा है, तुझे नहलाया है, तेरी नैपी चेंज की है। दादी अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बाहर जाओ। ऐसा तुझे लगता है? ओए कान के पीछे से भी साफ कर। दादी और सुन, तुझे पता है किसी ने कोहिनूर चुरा लिया? प्लीज मेरा टावल दीजिए। हाय जूल थी, ऐसे नौजवान अब कहाँ मिलते? अशोक कुमार, देवानंद, आई जस्ट वॉन्ट टू मीट अ मैन लाइक दैट, जो हीरे के साथ साथ दिल भी चुरा कर ले जाए। चुरा के गया सपना मेरा। तो आप प्लीज उसके बाथरूम में जाइए, मुझे मेरा टावल दीजिए। जिसने भी चुराया है उन्होंने मेरी भी उम्र लगी। दादी आप बिल्कुल पागल हो। खास तू भी होती मेरी तरह, तू तो बहुत ही बोरिंग है, हमेशा कल्ली रहती है, जबकि सारियां कुड़ियां दे बॉयफ्रेंड है। दादी मुझे ऐसा कोई मिला नहीं अब तक। ओके पर तू इतनी चूजी क्यों है? तेरी उम्र में तो मेरे 30-40 अफेयर हो चुके थे, इतना भी क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं। मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना दादी। अरे तुझे क्या पता प्यार क्या है? प्यार तो वो है संतरी थमे रही, कैमरे जमे रही, और सीने की तिजोरी से कोहिनूर चोरी हो जाए। मॉर्निंग भाई। किसने चुराया? सर जब आपने कोहिनूर पे इनाम की बात फैलाई थी तो सिर्फ इस एक आदमी ने जवाब दिया था। किसके थ्रू? शोएब। कहा सईद ने उसे भेजा था, वसीम उसे जानता है और सकलेन के लिए उसने काम भी किया था। पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप नहीं पूछा, हिंदुस्तानी है। ऐसा कमाल तो कोई हिंदुस्तानी कर सकता ना भाई। देशभक्ति जाग रही है। सॉरी भाई, हीरा इंडिया पहुंचते ही वो हमें कांटेक्ट करेगा। कीमत? $5 million। ठीक है। कैश दे? हाँ, ट्रक में लाद के ले जाना। जी। ब्लडी फूल, मॉरिशस में बेनामी अकाउंट खोलो, हीरा मिलती है उसके नाम ट्रांसफर कर देना। मुंह मत खोलो, बैंक जाओ अकाउंट खोलो। नमस्ते मैम साहब। थैंक यू हरलीन। नो प्रॉब्लम। हे हरलीन, थैंक्स फॉर माय कॉफी। यू आर वेलकम। हेलो, बैंक ऑफ शिमला, स्पीक हियर प्लीज। हेलो, बैंक ऑफ शिमला, सॉरी हाउ कैन आई हेल्प यू? आपके वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ है? कोरिडोर से तीसरा कैबिन टू द राइट, पर वो रिजाइन कर चुके हैं, कैबिन में कोई नहीं है। अब है? कौन है? मैं हूँ ना, करण सक्सेना, बैंक ऑफ शिमला का यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट। वैसे ये बैंक मेरे मामा जी का है। ओह I'm sorry, sir. No problem. Naam? Harleen Sahni. Married? Nahin. Boyfriend? Nahin. Hota toh bhi koi fark nahi padta. Mere cabin mein aa jao. Finance strategy discuss karni hai. Strategy? Par main receptionist hoon. Oho, receptionist hi rehna hai. Sahi dost banana bhi. Finance strategy hai, darling. Samjhi.
अगर किस्मत को बदलना हो तो आ जाना। क्यों अकेले बैठ के आइसक्रीम खा रही हो? इस वक्त आपके फ्रेंड्स अपने मिस्टर राइट के साथ एक रोमांटिक से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। बट यू डोंट वरी, बिकॉज आपकी जिंदगी भी बहुत जल्द चेंज होने वाली है। truelove.com एक ऐसी साइट जहां आपकी नई एक्साइटिंग एंड रोमांटिक जिंदगी शुरू होने का इंतजार कर रही है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर नाउ ऑन truelove.com, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी भी उस गोद में पड़ी आइसक्रीम की तरह ठंडी की ठंडी ही रह जाए। फ्रेंड्स, आज 30 सालों के बाद मिस शर्मिन कपारिया हमारे बैंक से रिटायर हो रही है। मिस जी? मिस कपारिया। वो कौन है? मैं। आपने अभी तक शादी नहीं की? वाओ, लीजिए सर। शादी के लिए टाइम कहां से निकालती? इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैंक में ही गुजार दी है। 30 सालों में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, ना कभी देर से आई और ना ही कभी जल्दी गई। पूरी जिंदगी अकेली ही रही है, फिर शायद आगे भी अकेली। क्या हुआ दादी? अरे वो देख, जलती। तो तुम हो? अगर उस बैग में वो है जो मैं सोच रहा हूं, तो मैं वो हूं जो तुम सोच रहे हो। अब्दुल आया, आपका ऑर्डर लाया। 4 बुना गोश्त, 2 सीख कबाब, 2 हलीम और आपका मेरा फेवरेट फिरनी। तुमने ऑर्डर किया? ए अब्दुल, फिर से गलत ऑर्डर दे रहा यार, वहां टेबल नंबर 7 पर। कभी कभी गलती हो जाती है, सॉरी। मॉरिशस के एक अकाउंट में $5 मिलियन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहां मेरे हाथ चमके, वहां तुम्हारी किस्मत। जल्दी क्या है, पहले एक दो बातें हो जाएं, भूख भी लगी है, कुछ खा लेते हैं। अब्दुल, दादी मैं बॉर्डर पे जंग लड़ने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ डेट पे जा रही हूँ। तेरा घर बस रहा है, अब मैं चैन से मर सकूं। बस मैं लेट हो जाऊंगी। रुक, ये ले दादाजी की गाड़ी। ये तेरे दादाजी की जान थी। हाँ दादी, पता है आप दोनों अपनी पहली डेट पर इसी में गए थे। मुझे मेरा ट्रू लव इसमें मिला था और आज तुझे भी तेरा ट्रू लव इसी में मिलेगा। बाय दादी। ओके बाय।
तुम हमारे जाने के बाद भी खा सकते हो। यार मैं खाली पेट सोच नहीं सकता हूँ। सोचना क्या है, कीमत तय हो चुकी है। एक हाथ दो एक हाथ लो। दोनों हाथ गंदे हैं। धमकियां बहुत महंगी होती हैं। कितनी महंगी? 5 मिलियन की एक। अब तुम तीनों ने गलती की तो अब कीमत है $20 मिलियन। गलत, कीमत अब जीरो है। चुपचाप हीरा हमारे हवाले कर दो। अपने अपने नाक साफ कर लो। तुम्हारी लस्सी में एक ड्रग है, ठीक 5 सेकंड में तुम्हारे मुंह से एक पिंक झाग निकलेगा और तुम सब बेहोश। Oops. आइला, फिर से गलती हो गई। अरे साहब वो लस्सी आपके टेबल पे देना था ना। थैंक यू अब्दुल। सब शो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से प्रेशर है। अपोजिशन बेस कोहिनूर हीरे की चोरी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसका असर हमारे एक्सट्राडिशन ट्रीटी पर होने वाला है। बेवकूफ हैं ये लोग। एक्सट्राडिशन ट्रीटी किसी भी हालात में रुकनी नहीं चाहिए सर। सर कोहिनूर हीरा ढूंढना बहुत जरूरी है सर। सर सर शिमला माल रोड पे फायरिंग हुई है सर। तो पुलिस की प्रॉब्लम सर। लेकिन आपको सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए सर।
Yes, ma'am. How may I help you? I'm Harleen. Mr. Vicky से मिलने आई है, right? आपको कैसे पता? TrueLove.com के साथ हमारा टाइप है. Come with me, please. Have a seat. अपने स्पेशल दोस्त के बारे में कुछ भी जानना हो तो this. Have a nice time, ma'am. Hi, I'm Vicky. Harleen. Hi, Harleen. Nice to meet you. तुम बहुत लेट हो. और तुम बहुत खूबसूरत हो. I'm sorry. मैं इतना लेट हूँ. I'm just. please sit. तो तुम ये पहले कर चुके हो? क्या? रेस्टोरेंट में विद अ ब्यूटीफुल गर्ल एक दो बार इंटरनेट डेटिंग TrueLove.com हाँ नहीं ये फर्स्ट टाइम इट्स माय फर्स्ट टाइम मेरा भी आ तो तुमने मुझे क्यों चुना? Really? Look at you. पर मैंने अपनी फोटो नहीं दी. हाँ, of course. पर जिस खूबसूरती से तुमने अपने आप को डिस्क्राइब किया, I was just. पर मैंने तो सिर्फ दो वर्ड्स लिखे. Bank receptionist. Exactly. इन दो शब्दों में एक कहानी छुपी है किसकी कहानी मेरी नानी की मेरी नानी भी एक बैंक रिसेप्शनिस्ट थी बैंक के रिसेप्शन पर कॉल्स रिसीव कर करके हम सबको पाला पोसा और फिर एक दिन बैंक के रिसेप्शन पर अपना आखिरी कॉल ट्रांसफर करते हुए वो खुद ट्रांसफर हो गई I'm so sorry. Kya piyogi? Some wine? Thank you. You're welcome.
शिमला। हाँ, फ्रेंच। इंडियन है सर, नासिक से। हाँ, चलो। एंजॉय मैम। थैंक्स। तो तुम बहुत चावल करते हो। करना पड़ता है, दुनिया को जो बचाना है। हाँ? मच्छरों से। मैं ओडोमॉस के लिए काम करता हूँ। और तुम ट्रैवल करती हो? नहीं, 10 साल की थी जब कनाडा से दादी मुझे यहाँ ले आई। मेरे मॉम डैड एक रोड एक्सीडेंट में, तब से मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई। पर एक दिन जॉब क्विट करके एक राउंड द वर्ल्ड टिकट लेकर दुनिया देखना चाहती हूँ। एक दिन, एक दिन। पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा ये एक दिन आ गया? मैं एक छोटी शहर में रहती हूँ, इतना आसान नहीं है मेरे लिए कि जब जो चाहा कर लिया। मैं अकेली दादी के साथ रहती हूँ, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझ पर। एक दिन, एक दिन। तो तुम्हें डांसिंग का शौक है? यहाँ? या? No way, वो तो मैं बस अकेले में कभी कभी। शर्लिन, पास आओ। पास आओ। थोड़ा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये एक दिन का मतलब है कभी नहीं? आज दादी की जिम्मेदारी, कल हस्बैंड की, परसों बच्चों की। आई थिंक जो करना है ना वो आज करना चाहिए। मैं तो रोज ये मानकर निकलता हूं कि ये मेरा आखिरी दिन है। सो ऑल आई हैव इज एक दिन। अपनी लिस्ट जिस दिन शुरू करोगी, तुम्हारा एक दिन आ जाएगा। पर आंखें बंद करो। हाँ? आंखें बंद करो। की सारी लड़कियां जल के मर जाएंगी। तुम्हें नहीं लगता है एक दिन का मतलब है कभी नहीं? आई थिंक जो करना है वो आज करना चाहिए। विकी कितना शांत, कितना सिंपल। कितना सुशील। यस हरलीन सानी, ही इज राइट, ये वक्त फिर कभी नहीं आएगा। मैडम TrueLove.com। हरलीन, myself विकी, मैं सो सॉरी हूं, मेरे मोबाइल का टायर भी पंचर हो गया और मेरी बैटरी की गाड़ी भी डेड हो गई। पर वो विकी कहां है? ये बिल छोड़ गया इतना लंबा।
कि फर्नीचर का बिल कौन भरेगा, मेरा चाचा या मामा? पैसे तो आपको देने पड़ेंगे मैडम। वसीम बैंक मेरे मामा जी का है। चाचा नहीं है, मामा जी है। ये उनका कार्ड है, वो भर देंगे। सॉरी। चुनाव कभी गाड़ी के सामने आ गया तो ब्रेक में एक्सेलरेटर दबा दूंगी। Oh shit! Oh. I'm sorry. आप ठीक हैं? I'm good. तुम? Hi. राजवीर. क्या? मेरा नाम? Yeah, sure. जैसे इतनी झूठ के बाद ये सच है। नाम झूठ था, but I swear, बाकी सब सब सच था। तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, शायद एक एक क्या? एक किस? किस? तुम पागल हो, मैं जा रही हूँ। मुझे सीरियसली लगता है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। वो तुम्हें मेरे साथ रेस्टोरेंट में देख चुके हैं। कौन? वो जो ये सोचते कि तुम कुछ जानती हो। मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं, पर वो ये नहीं जानते। वो नहीं जानती कि मैं कुछ जानती हूँ। नहीं, वो ये सोचते हैं कि तुम कुछ जानती हो, पर वो ये नहीं जानते कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं क्या जानती हूँ? कुछ नहीं। तो वो ये जानती है क्या? स्टॉप! आओ! मैं इस गोली से नहीं, कंफ्यूजन से मर जाऊंगा। ओह, आओ। हरलीन सहानी। तो तुम कह रहे हो कि वो लड़की इसके साथ थी? यस सर। और ये उसके मामा जी का कार्ड है सर। सर प्लीज हमारे पैसे निकलवाइए। करण सक्सेना। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ चुराया है। क्या? गोली मैंने निकाल दी है, सीना बाकी है। सीना? या सो तुम ये टॉर्च पकड़ो, यहाँ पॉइंट करो। या मुझसे नहीं होगा। होगा, कोस होगा। या कम ऑन, हेल्प। बस यहाँ, परफेक्ट। ओके, स्टेडी स्टेडी। परफेक्ट, एक्सलेंट। आज तक किसी को टॉर्च इतनी परफेक्टली पकड़ते हुए नहीं देखा। थैंक्स। स्टडी स्टडी। डन। स्टडी। ही ऑलमोस्ट डन। इट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। हे, डन। ये लो, पानी पी लो। राजवीर नंदा, इंटरनेशनल क्रिमिनल, पैथोलॉजिकली साइकोपैथिक स्किज़ोफ्रेनिक। मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। What? नहीं, पर वो ऐसा कहेंगे। पानी में क्या था? बेहोशी का ड्रग। क्यों? Now listen to me. दो तरह के लोग तुम्हारे पास आएंगे, एक जो गवर्नमेंट एजेंट्स हैं और दूसरे जो नहीं है। दोनों मेरे बारे में कुछ पूछेंगे। जब तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी तो वो कहेंगे कि वो तुम्हें एक महफूज जगह ले जा रहे हैं। महफूज को ऐसे क्यों कह रहे हो? Listen to me. जिस गाड़ी में वो तुम्हें ले जाएंगे उस गाड़ी में एक गन छुपी होगी। गन? अगर स्कोडा हुई तो लेफ्ट सीट के नीचे, और अगर टोयोटा हुई तो राइट सीट के नीचे। ओके। उस गन को संभाल के निकालना, उन्हें डराना और
भाग जाना। भाग? और अगर मेरे बारे में कुछ पूछें तो मैं तुम्हें नहीं जानती। नहीं जानती? मैं बिल्कुल नहीं जानती। परफेक्ट। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। शोएब कहाँ है? मैं किसी शोएब को भी नहीं जानता। पाक कसम, मामा जी की कसम, वो तो जिंदा भी है अभी। इस कोड का क्या मतलब है? हरलीन बैंक रिसेप्शनिस्ट। कौन सा कोड? हरलीन? ये कोई कोड वर्ड नहीं है, हमारी बैंक के रिसेप्शनिस्ट का नाम हरलीन है। हाँ, क्या हिमाकत है भाई? वो हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया? पकड़ने कौन गया था? पैसे देकर हीरा लेना था, that's it। शोएब ने जबरदस्ती लेने की कोशिश की लेकिन ले नहीं पाया। भाई उसके साथ एक लड़की भी थी। कि तुम्हारा ये एक दिन का मतलब है कभी नहीं? अपनी लिस्ट जिस दिन शुरू करोगी तुम्हारा एक दिन आ जाएगा। क्यों भाई, क्या बात है? रात को वापस कब आई? अरे बेवकूफ, मैं तेरे माँ बाप की तरह ओल्ड फैशन नहीं हूं। कौन था? राजवीर, नाम झूठ था, पढ़ाई सुए, बाकी सब सब सच था। पता नहीं कमाल है, सारी रात उसके साथ रही, उसका नाम तक नहीं पूछा। भाई इतनी मॉडल तो मैं भी नहीं। समझ गई, तेरे दिल की तिजोरी से कोहिनूर चोरी हो गया। मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह। ओ मैडम, ओ मैडम, क्या हो रहा है? ऑफिस है, घर नहीं है, फोन बज रहा है तुम्हारा, उठाओ। हेलो, बैंक ऑफ शिमला? नो सर, रॉन्ग नंबर। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? खोलना जी? बड़ा, बहुत बड़ा अकाउंट खोलना होगा। सॉरी सर। क्योंकि कल रात जो काम आपने किया उसके लिए काफी पैसे मिले होंगे आपको। एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस। मेबी, शायद सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए नेट पे वो साइट truelove.com। क्या होता है इस साइट पे? मैं गया था जिस साइट पे, रात को बड़ा दिलचस्प मामला हो जाता है। नहीं,
इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था जी, इन्वेस्टिगेशन ना, और कोई बात नहीं। जोरावर कालरा, गवर्नमेंट एजेंट, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है, बातचीत करनी है, पूछताछ। वैसे आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं, सबके सामने। मिजानी, कल रात आप जिस आदमी के साथ थी वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, मेंटली अनस्टेबल एंड पैथोलॉजिकली साइकोपैथिक स्किज़ोफ्रेनिक। उसने कहा कि अब मुझे ये सब कहेंगे। जैसा मैंने सोचा था, इट्स टू स्मार्ट, यूज कर रहा है वो आपको। जस्ट हैव अ लुक। इस तरह के क्रिमिनल्स बहुत चार्मिंग होते हैं। वो ड्रग कर सकता है, आपको मार भी सकता है, जान ले सकता है आपकी। एक्सक्यूज मी, पुलिस स्टेशन रह गया पीछे। हाँ, आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपको महफूज जगह लेके जा रहे हैं। महफूज? हाँ, पर आप इस तरह क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही। अगर स्कोडा हुई तो लेफ्ट सीट के नीचे, और अगर टोयोटा हुई तो राइट सीट के नीचे। ये कौन सी गाड़ी है? हुंडा की है जी। क्यों? अच्छी है। माइलेज क्या देती है? हैबे पे 10-11 का दे देती है, और फिर ड्राइवरी पे डिपेंड करता है। किसी का पीछा कर रहे हो तो एक्सीलेटर ब्रेक ज्यादा दबाना पड़ता है, तो मामला 7-7.5 पे आ जाता है। हाँ सर, बेचनी है? नहीं सर, सॉरी सर। हाँ बस पहुंच रहे हैं। गाड़ी रोको! चोरी के हाथ में बंदूक, ये गन कहाँ से मिली आपको? गाड़ी रोको! चलता रहे कुछ नहीं करेगी। कम ऑन, गिव मी दैट। मैंने नहीं किया। चल दो मुझे। मुझे तो सारे भी नहीं आती। कम ऑन। बिना पालन के मटपटी। Oh!
if I drive? Fast! Shift, Harleen. Trust me. Shift! What's up? से उतरना मत। क्या कहा था? गाड़ी से मत उतरना। क्या किया? गाड़ी से उतर गई। हरलीन, अंडरस्टैंड, मेरे साथ महफूज, इनके साथ महफूज, महफूज या महफूज, महफूज। ये पकड़ो, थोड़ा सा। You're in shock. I understand. तुम ये लोगों को मैं उन्हें समझा क्या था? Actually, you know what? मैं झूठ नहीं बोलूंगा. I'm just gonna go shoot them. By the way, तुम गाड़ी चलाती बहुत अच्छी है. I mean, तुम्हारी वजह से आज हमारी जान बची. I want you to know that. I was really impressed. ये लोग कॉल करा. Let's come. हरलीन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। करण, मैं बहुत मुसीबत में। मुसीबत? तुम्हारी वजह से मुझे थप्पड़ पड़े। मुझ पर गोलियां चली। मेरी 40,000 की शैंपेन पी गए। कौन? गवर्नमेंट एजेंट्स। क्यों? क्योंकि तुम शोएब की एजेंट हो। कौन शोएब? उमर जफर का खास आदमी। कौन उमर जफर? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? ये वही है जिसकी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़े और मुझ पर गोलियां चली। राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजवीर? ओ कौन है राजवीर? जिसका दायां हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ेगा अगर तुम चुप नहीं रहोगे। अब मेरी बात आराम से सुनो। मैं तुम्हारी कार ले जा रहा हूँ। ओ हेलो राजवीर जफर। कार की तरफ आंख उठा के देखा ना तो हाथ तोड़ दूंगा। कुंग फू कराटे में ग्रीन बेल्ट हूँ। मेरी फ्लाइंग की कितनी फास्ट है, उड़ते पंछी को हवा में गिरा देता हूँ। तुमने गोली मारी। तुमने मुझे गोली मारी। हरलीन, कार में बैठो। तुमने उसे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? हरलीन, कार में बैठो। हरलीन, कार में मत बैठना। हरलीन, हरलीन कार में बैठो।
फ्लैश वुंड, हड्डी के आसपास भी नहीं। गुड शॉट। हाँ वेरी गुड, पर क्यों? अबे फ्लाइंग किक मारने वाला था, चांस नहीं लिया। अब सुन, हमारे जाने के बाद 100 तक गिनना, फिर पुलिस एम्बुलेंस सबको बुला लेना। 100 के पहले बुलाया तो वापस आकर गोली मार दूंगा। पर तुम्हें पता कैसे चलेगा? बेवकूफ सवाल पूछोगे तो भी गोली मार दूंगा। 200 तक गिनूंगा मामा जी की कसम। गुड। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 1 मामा जी, 2, 3 मामा जी। बाय द वे, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तो क्यों मारा? जो गोली नहीं मारना चाहते वो गोली नहीं मारते। इस गोली से वो शहर का हीरो बनने वाला है। पागल हो, you're insane. तुम left, right, जो भी आया, उसे गोली मार रहे हो. It's just not normal. ये किसी भी definition से normal नहीं है. मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. Please गाड़ी रोको, मुझे घर जाना है, तुमसे दूर. Relax, Harleen. Just calm down. शायद उन लोगों के साथ ही महफूज थी. क्या कहा? और मेरे साथ तुम्हें डर लग रहा है? मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। Really? Oh, okay. Okay then. मेरी बात तो सुनो। I don't want to talk to you. क्यों नहीं बात करनी? I don't want to talk. Why? मेरे को बात नहीं करनी। Okay, I'm sorry. नहीं करनी बात। Please, Excuse me. तुम मुझे ऐसे छोड़के कैसे जा सकती हो? जवाब दो। अगर मेरी ज़रूरत नहीं थी, तो करण को गोली क्यों मारी? और इस गाड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? यही गाड़ी नहीं चाहिए थी, तो चुराई क्यों? फिर कहते हो तुम पागल नहीं हो? क्या चाहती हो? साथ रहूं तो प्रॉब्लम है, दूर जा रहा हूं तो प्रॉब्लम है। लुक, आई एम रियली सॉरी कि हमें साथ रहना पड़ रहा है, पर वो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम जिंदा रहो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, यू आर डेड। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डेड। और शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन तुम्हें बचाने के अलावा मेरे पास और भी काम है, और काफी इंपॉर्टेंट काम है। You know what? I don't really care anymore. ये रही चाबी, वो रही गाड़ी। Drive home. मेरी वजह से आज तक किसी की
किसी बेगुनाह की जान नहीं गई। नहीं चाहता कि तुम पहली हो, खासकर जब तुम जिंदगी भर उसे एक दिन का इंतजार करती रही हो। तुम्हारे सारे प्लान्स तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाते। भूख लगी? कुछ खा लेते। तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे तुम तो बैंक में काम करती हो। That's so stupid. मैं हॉस्पिटल में काम करती तो मेरे पास दवाइयां होती। अब क्या करें? किसी को गोली मार दो। तुम्हें तो शौक है ना गोली मारने का? अगर वो फीमे खाने नहीं देगा उसे गोली मार दो। Again? Really? मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए गोली मारी थी। प्लीज कैन यू मूव ऑन फ्रॉम दैट नाउ? मैंने कब कहा कि मेरी हेल्प करो? आई कैन मैनेज। हां कैन आई टेक योर ऑर्डर सर? मेरी लाइफ परफेक्ट थी जब तक कि तुम मुझे मिले। परफेक्ट? हां इसीलिए इंटरनेट पे लगी हुई थी। मी हरलीन बैंक रिसेप्शनिस्ट, प्लीज मीट मी, प्लीज समबडी, प्लीज इंटरनेट हेलो हेल्प, हेलो कोई तो सुनो, हेलो एनीबॉडी आउट देयर, हेलो प्लीज समबडी, नोबडी। यार हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि थिन क्रस्ट या स्टफ क्रस्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। सो व्हाई डोंट यू ट्राई अ पैन पिज्जा? क्या लोगी हनी? डोंट कॉल मी हनी, देन गिव मी सम मनी। एक्चुअली नो, मैं इसे गोली मार देता हूँ। व्हाट एम आई थिंकिंग? आई शुड जस्ट डू इट। ये लो पैसे, किसी को गोली मत मारना प्लीज। Two pan pizzas, please, and two Mountain Dews. और हमारे सामने करण सक्सेना जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक खतरनाक मुजरिम को रोकने की कोशिश की। उसने हरलीन पे बंदूक चलाई, मैं कूद कर सामने आ गया। पर गोली तो आपके पैर पे लगी है। कुंग फू स्टाइल जंप था, मेरी फ्लाइंग की तो मामा जी इतनी फास्ट है कि मैं उड़ते पंछी को हवा में मार के गिरा देता हूँ। ऐसा क्या किया है तुमने कि इतने सारे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं? सॉल्व करूं फिर बताओगी? तुम पेपर नहीं पढ़ती? प्लीज तुम्हें ये फोन नहीं है जो केस से शुरू होता है। तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा है? Yeah, right. इसलिए अब तक तुमने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। तुम जब चाहो मुझे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो। तुमने कोहिनूर क्यों चुराया? उमर जफर के लिए। आसपास बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, आराम से बात करें। उमर जफर, इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट हमेशा उसी के नाम से शुरू होती है। उसने कोहिनूर की चोरी पे इनाम रखा, इन्होंने चुरा लिया। रेस्टोरेंट चारों तरफ से घिरा हुआ, बचना मुमकिन नहीं। इसलिए अगर चुपचाप हमारे साथ चलो तो सबके लिए बेहतर हो।
जहाँ तक मैं जानता हूँ ये चुपचाप हमारे साथ चलेगा नहीं, इसलिए यू डिसाइड, आपको हमारे साथ महफूज रहना या चोर के लिए शहीद होना। डिसाइड नाउ। क्या ये सच है? यू नो, इस सब के बावजूद मेरा दिल कह रहा था कि तुम अच्छे हो, पागल हो, लेकिन बुरे नहीं, क्रिमिनल नहीं। मैं गलत थी, मैं जा रही हूं। I'm sorry, हरलीन, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। Boys! What is a jump, sir ji? वैसे रास्ता नीचे को नहीं, सिर्फ ऊपर को जाता है सर जी। ये आदमी इतनी आसानी से ऊपर जाने वाला नहीं है। कोई ऊपर है जो इसकी मदद कर रहा है। डोंट वरी हरलीन, हम सेफ हैं। डर के आगे जीत है। Morning. तुमने मुझे गोली मारी। Don't shush me. तुमने मुझे गोली मारी। गोली मारी होती तो शश करने की जरूरत नहीं होती। डर था। डर। बेहोशी था। जो भी था क्यों था? बेहोशी का, मैं मर सकती थी। आशीष, क्या समझते आपने आपको? मैं तुम्हें दिखाती हूँ शश, मैं तुम्हें दिखाती हूँ शश। तुम्हारे फायदे के लिए मैंने तुम्हें बेहोश किया था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो वो मुझे मार देते। राइट? राइट। वैसे मेरी शॉपिंग में काफी अच्छी लग रही है। अब धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाओ, और कपड़े नहीं हमारे पास। मेरे कपड़े,
मेरे कपड़े किसने बदले? रिलैक्स, मैंने खुद बदले। तुमने? आई स्वेयर। तुमने मेरे कपड़े बदले? हाँ, ओ ओ आई सी। कम ऑन हर्ली, ये 50 गार्ड्स और 100 सिक्योरिटी कैमरा से बचकर टावर ऑफ लंदन से मैं कोहिनूर निकाल सकता हूँ, तो क्या बंद आंखों से तुम्हारे कपड़े बदल नहीं सकता? हाँ, ये नहीं कह रहे कि मेरी आंखें बंद थी, बट आई डिजर्व दैट। अच्छा, एक वो देखो हर्लीन, ये जो मार्शल आर्ट जिसमें तुम वाकई बहुत अच्छी, ये बात में करते हैं। अब मुझे जरा भूख लगी है, खाना खाएं? खाना खाते आओ। मैं अपने लॉयर की सलाह लिए बगैर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। दादी, आप ये अमेरिकन सीरियल देखना बंद करें प्लीज। हेलो दादी। कौन? हरलीन। ये देखो, हरलीन का फोन आया। हेलो दादी, दादी सर, लोकेशन ट्रेस हो गई सर। हो गई साइट सीइंग। काफी बड़ा आइलैंड है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो प्लीज मुझे मार डालो। मैं कहां तुम्हें मारना चाहता हूँ हरलीन, मैं तो सिर्फ हमारा अधूरा डिनर पूरा करना चाहता हूँ। Come on. तुम खाना भी बना लेते हो? स्कूल में मेरा थर्ड सब्जेक्ट कुकरी था। कौन से स्कूल गए थे तुम? DPS। दिल्ली पब्लिक स्कूल। देहरादून पब्लिक स्कूल। तुम कौन हो? चो। तो वो सच कह रहा था कि कोहिनूर तुमने उमर जफर के लिए छुराया? हाँ, पर क्या मैंने कहा कि मैं उसे दे रहा हूँ? तो फिर क्यों चुराया? ताकि कोई और चुरा के उसे ना दे दे, मेरे पास ये महफूज है। तुम पुलिस में या गवर्नमेंट में किसी को क्यों नहीं दे देते? तुम लड़कियां कितनी क्यूट हो, किसी को क्यों नहीं दे देते? हरलीन, ओमार जफर की पहुंच पुलिस और गवर्नमेंट के हर कोने तक है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट? राइट। तो प्लान क्या है? प्लान कोई प्लान नहीं। इस वक्त हर कोई ये सोच रहा होगा कि मेरा प्लान क्या है और काउंटर प्लान बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर मेरा कोई प्लान नहीं तो मुझे पकड़ेंगे कैसे? That is the stupidest thing I ever heard. Yeah? तो ये तुम्हारा हाइडआउट है? Yes, one of them. ऐसे कितने हैं? 12, नहीं 11. बर्मा वाला पिछले मैंने ब्लास्ट हो गया। तुम्हारी सारी बातें कितनी बुलशिट लगती हैं। तुम कौन हो, क्यों और क्या करते हो? I'll never know. Harleen! How's it possible?
तुम्हें किसी आते नहीं देखा, मैंने कोई फोन नहीं किया, और तुमने भी मैंने फोन तुम्हारे फोन से और हार्ली किस बात के लिए मारूं? इसलिए कि मुझे पकड़ने आए हो या पकड़ने के लिए सिर्फ चार आदमी लाए हो? कोई नूर चुराया यार, कुछ तो इज्जत कर। देखो कोहिनूर दे दो, वरना जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? मैं नहीं जानता। बोल। जफर किसी से नहीं मिलता। तो ये कोहिनूर किसे देने वाला था? बोल दे, जफर तेरी लाश को शाबाशी देने नहीं आने वाला। गुल, हमिद गुल, मेरा काम कोहिनूर हमिद भाई को देना था। वंडरफुल। और कहां मिलेगा ये भाईजान? सोच ले, गुल या बत्ती गुल? बता दो, बता दो। बेलेर, प्राग। बेलेर।
Welcome to Prague. हम एक जगह पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते. So we should. You know, मेरी लाइफ बहुत सिंपल थी. बस मैं और दादी, बैंक और घर. इससे ज्यादा ना देखा ना सोचा. पर जब से तुम मिले, जिंदगी एक एक्शन फिल्म की जैसी हो गई है. पता नहीं अगले पल में क्या होगा, पर अब डरती नहीं. I trust you. दुनिया देखने की विश पूरी कर दी तुमने. और तुम, तुम्हारी भी तो कोई विश होगी. हमें चलना चाहिए. तुम्हारा एक दिन क्या है? घर. इस सब के बाद अपने घर. एक दिन. कहाँ जाना है? हम नहीं, मैं कहीं जा रहा हूं. तुम यहीं रुको. रूम सर्विस से खाने के लिए कुछ मंगवा लो. आई बिलीव दी सुशी इज रियली गुड. मैं जल्दी आ जाऊंगा. ओके. नो, तुम नहीं जानती, पर तुम्हें मेरी जरूरत है. वेयर टीम नाउ. हरलीन, साथ ले चलो, नहीं तो पीछे पीछे आ जाऊंगी. तैयार हो जाओ. करने की कोशिश भी मत करना. मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं. झूठ. तुमने सोचा? नहीं, तुम सोच रहे. नहीं, तुमने आज तक किसी को किस नहीं किया? ऑफ कोर्स किया है. रियली? कब? स्कूल में? नहीं, उसके बाद.
इम्पॉसिबल। बस मुझे पता है किस कैसे करते हैं। तुम इसे किस कहते हो? हाँ क्यों? किस इसे कहते? क्या करना है? किसी को ढूंढना है जिसे मैं कोहिनूर दे सकता हूं। किसे ढूंढना है? हामिद गुल। एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर मिस्टर हामिद गुल। देयर ही इज मैन। सी, वो रहा हामिद गुल। तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज जस्ट लीव दिस टू मी। ओके। तुम जेलस हो क्योंकि मैं तुमसे बेटर हूं और तुम मुझे यहां लाना नहीं चाहते थे। बिगिनर्स लक। Now agent 000. Chalo, kismat azmate hain. Fortune red. Wow. 7 black. Itne paise? Changing 50,000. Place your bets, ladies and gentlemen. Mujhe khelna nahi aata. Sare paise number 31 pe dal do. Sare? Sare. Bits. Oh. 31 black. Congratulations. Oh my God. Come on. Come on. Congratulations, sir. Up. Place your bets, please. 26. Okay. The winner is 26 red. Oh my God, oh my God. Again, you won again. Okay, can I just get this one? Thank you. Are you guys set? Congratulations. Yes. Abhi bahut paise jeet liye. Chalo, let's go. Chalo. 17. No. Number 17. Are you sure? Okay, 17. No more bets. The winner is 7 red. Oh yeah! No! Oh my God. I'm like a lie. Ab confirm ho chuka hai. 17 matlab khatra. Main kyun kaha 17? Ek minute pehle main kitni rich thi. Ek minute pehle tumhe roulette khelna bhi nahi aata tha. Mujhe tumhari baat sunni hi nahi chahiye thi. Ha. Jab jeet rahi thi to sab theek tha. Mujhe agar kiss kari thi. Tum sab ladkiyan ek jaisi hoti. How dare you? Perfect. Kya? Hit me. No! Just hit me. I'm sorry. मैं ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। हाथ उठाना नहीं आता। किस करना नहीं आता? आता क्या है? इंटरनेट पे रोमांस की भीख मांगना? बैंक रिसेप्शनिस्ट। गुड, वेरी गुड। गुड। अब बाथरूम जाओ और जब वो वहां पर आए तो उसे कहो कि तुम्हें 5 मिनट में मिले अकेले। गो गो गो। गो टू हेल। कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास हीरा होता है और वो उसकी कीमत नहीं जानते। हीरा नहीं,
कोहिनूर। कोहिनूर चोर भी हो सकता है। वो चोर पर डिपेंड करता है। हामिद गुल, चोर की नियत? चोरी, कोहिनूर का इरादा, खुली हवा। 15 मिनट में 2 ग्लास शैंपेन और एक चोर टेरेस पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। 5 मिनट, ये ना हो कि कोहिनूर कोई और चुरा ले जाए। नाइस। वेल डन। अब तुम होटल जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो उसके बाद तुम, हम, हम, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल पागल हो। मैं वेट करूंगी। Whiskey and the rock, huh? Salaam alaikum, Hamid Gul. तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? कोई नूर चुराया यार, कुछ तो इज्जत करो। लेकिन अगर जानना ही चाहते हो तो तुम्हारा पता तुम्हारे खास आदमी रॉबर्ट ने मुझे बताया। सिर्फ पता, तरीका मेरा था। चोर हो, चालाक नहीं। पैसे तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाले थे, अब हीरा भी गया और जान भी। पैसे ही चाहिए होते तो कोहिनूर तुम्हें क्यों बेचता? तो चाहते क्या हो तुम? ओमर जफर, तो कोहिनूर क्यों, कौन हो तुम? बता कहाँ है जफर, बता। बता दे जफर कहाँ है, बता। जफर कभी नहीं। राजवीर सिर्फ कोहिनूर को महफूज रखना चाहता है। कोहिनूर तो लंदन में महफूज था जब तक उसने चुराया नहीं। वो नहीं तो कोई और चुरा लेता। अच्छा, अगर इतना ही आसान था तो 150 साल से किसी ने क्यों नहीं चुराया? अच्छा, और क्या क्या है जो उसने तुम्हें बताया जो सच हो? उसने कहा कि तुम मुझे मार दोगे। पर आप तो जिंदा है, इस वक्त कहाँ है वो? वो किसी हामिद गुल के साथ है। हामिद गुल मर चुका है, he is dead. इंटरनल सीक्रेट सर्विस चीफ मिस्टर नारायणन। और उसी टेरेस पर उसकी लाश मिली।
इसका मतलब जानती हो? मिस हर्लीन, आज आप एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं। आपको मारना हमारे लिए सबसे आसान काम होगा, लेकिन हम जानते हैं कि सच क्या है। मिस हर्लीन, आपके पास एक मौका है अपनी जिंदगी वापस पाने का, अपनी दादी के पास वापस जाने का, और वो मौका इस ट्रांसमीटर में कैद है। आज आप एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हैं। I trust you. अच्छा, और क्या क्या है जो उसने तुम्हें बताया जो सच हो? आओ मेरे साथ, अब हम यहां नहीं रुक सकते। Let's go. वहां से निकले कितनी देर हो गई? कहां थी तुम? सच कहूं या तुम्हारी तरह झूठ बोलना शुरू कर दूं? कौन सा झूठ बोला मैंने तुमसे? सब झूठ ही तो कहा है, अपने बारे में, हमारे बारे में, हामिद गुल के बारे में। मार दिया ना तुमने इसे। किसने कहा तुमसे? सोरावर। तुम्हारे पास कोहिनूर अब भी है। उस दिन विकी बनकर मुझसे मिले, रहने देना था ना मुझे अकेले। क्यों कुछ सपने पूरे करके और सपने दिखाए? सब पूरे करूंगा मैं, ट्रस्ट मी। बस अब नहीं करना चाहती। तो फिर इंतजार किसका? से नहीं तो डूब कर तो मर ही गया होगा। तुमने अपनी जिंदगी वापस जीत ली। जाओ।
वाहेगुरु का शुक्र है कि तू घर वापस आ गई। तेरे बिना ये घर घर नहीं लगता। इस सब के बाद अपने घर। कौन सी स्कूल गए थे तुम? देहरादून पब्लिक स्कूल। क्या ढूंढ रही हो? एक्चुअली सर, मैं पंकज। क्या? एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो? ये चोरों की तरह घर के बाहर घूम रही है और तुम मुझसे पूछ रही? नहीं नहीं सर, सर इंटरनेट पे आपने ये बुक्स ऑर्डर किए थे। मैंने कोई बुक्स ऑर्डर नहीं की। पंकज तुम भी कुछ याद तो रहता नहीं है। अब ये स्टूपिड गन अंदर रखो। बेटा आप अंदर आइए। कम आपका घर बहुत प्यारा है। आप कब से यहाँ हो? इस घर में पता नहीं पंकज 40 साल तो हो गए होंगे ना। थैंक यू। जितने हमारी शादी को हुए। इट्स ब्यूटीफुल, सब कुछ नया नया सा है। हाँ, वो जब पंकज की दूसरी लॉटरी लगी तो आपने दो बार लॉटरी जीती। या ही इज रियली लकी, है ना पंकज? इतना लकी के? हाँ हाँ जानती हूँ। अब ये कहेंगे कि इन्हें याद नहीं कि लॉटरी की टिकट कब ली, जैसे इन्हें याद नहीं कि बैंक की लकी ड्रॉ में कब हिस्सा लिया, और अब ये इंटरनेट की किताबें कब ऑर्डर की ये भी याद नहीं। मैं चाय लेके आती हूँ। सर ये राजवीर का हाइड आउट है ना? एक्सक्यूज मी, मतलब क्या? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अब मुझे ऐसे मैं चलती हूँ। हमारे बेटे, बहादुर बेटे, ये वीरेन है, डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और ये जय, ये भी आर्मी में था या है पता नहीं। कारगिल में पोस्टेड था जब वीरेन की खबर मिली, और उसके बाद कहते हैं एक मिशन पर था और लेक में पानी बहुत गहरा था और कुछ नहीं हुआ उसे, लोग कुछ भी कहें। ये ट्रॉफी उसने स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में जीती थी। वो अकेला था जो एक सांस में पूरी लेक पार कर सकता था। मैं नहीं मानता उसको कुछ हो सकता है। हरलीन, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। कोहिनूर कहाँ है? मैं नहीं जानती, प्लीज मुझे जाने दो। जफर, उमर जफर नाम है मेरा।
पास कैसे? कैसे नहीं, क्यों? ये मेरे पास क्यों? चाहिए नहीं था तो चुराया क्यों? असली कोहिनूर कहाँ है? ये नकली था? असली होता तो हथौड़ा टूट जाता, हीरा नहीं। काफी दिनों से राजवीर के साथ थी। बख्तावर? जोरावर। इसलिए इतनी आसानी से नहीं बताएगी। तुम इनके साथ? मुझे जो कोहिनूर मिला मैंने इससे दे दिया, असली कान में बिल्कुल नहीं जानती। खामोश रही तो हाथ में लगाऊंगा, नहीं तो समझती है ना? That's like a good girl. Ow! अब ना कोई मजाक कर पाओगे ना बकवास। अब तुम सिर्फ सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी, बताओ। क्या बताओ? सच। सच कहूं मुझ तो पटनागर? जोरावर, आप अपनी मूंछों के साथ बिल्कुल साथ इंडियन हीरो लगते हो। क्या? हाँ। और पता है, मेरी दादी की लाइफ मेरी लाइफ से ज्यादा एक्साइटिंग है। चुप! सिर्फ ये बताओ कि कोहिनूर कहाँ है? कोहिनूर राजवीर के पास है। अगर राजवीर तो मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है। ये सब तो उसका प्लान था। सोचूंगी वो मर गया ताकि तुम सोचो कि वो जिंदा नहीं है। वो ये नहीं जानता कि मैं जानती हूं कि वो जिंदा है। वो ये सोचता है कि मैं भी सोचती हूं कि वो मर चुका है। समझी मिस्टर जिंदगी एक सफर? अगर वो जिंदा है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। उस पिच पे उसने खुद ट्रांसमीटर क्लिक किया। चाहता तो भाग सकता था लेकिन उसने जानबूझ के नकली कोहिनूर दिया। कि मुझे यहां लाया जाए वो तुम्हारे पीछे। Not bad, Harleen. तुम इन सब बेवकूफों से काफी ज्यादा स्मार्ट निकली। मैं सोच भी नहीं सकता यहां तक पहुंचने के लिए कितना दिमाग, कितना हौसला और कितना जुनून चाहिए। जितना तुम सोच रहे हो उससे काफी कम। लकली ना तुम बहुत स्मार्ट हो और ना तुम्हारे आदमी। कौन कितना स्मार्ट है इसका फैसला इतनी जल्दी कैसे होगा राजवीर? फैसला तो तब होगा जब यहां एक की लाश होगी और दूसरे के हाथ में कोहिनूर।
अब सवाल बस इतना है कि कोहिनूर देने से पहले तुम कितना दर्द सहोगे? बताओ कोहिनूर कहाँ है, वरना अब दर्द सहने की बारी हरलीन की होगी। बताओ कोहिनूर वहीं है जहां उसे होना चाहिए, लंदन में। झूठ बोल रहे हो तुम, कोहिनूर चोरी हुआ है, सबको बताएं। क्योंकि हमने कहा कि चोरी हुआ है। क्या मतलब? ये इंडियन सीक्रेट सर्विस और लंदन के MI6 का जॉइंट ऑपरेशन था। यहां तुमने कोहिनूर की मांग की, वहां हमारा प्लान बना। कोहिनूर अपनी जगह महफूज है जफर, मगर अफसोस कि अब तुम महफूज नहीं। मतलब कोहिनूर चोरी ही नहीं हुआ? ब्रिलियंट राजवीर, ब्रिलियंट। मरने से पहले अपनी तारीफ सुनना सबको नसीब नहीं होता, लेकिन क्या फायदा? अब तुम अपने आप को कैसे बचाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो देश के लिए लड़ते हैं उनकी मौत का काउंटडाउन तो पहली सांस से शुरू हो जाता है सफर। गौर से देखे नाखों में, इनमें न मरने का गम है ना मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में तुझे अपनी मौत नजर आएगी। कुछ याद है? कर्नल नंदा, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? उसका भाई हूं मैं। तेरी मौत का काउंटडाउन तो उसी दिन शुरू हो गया था सफर, और आज खत्म। 10 9 8 बाहर जाके देखो क्या हो रहा है। 7 6 5 अकेला नहीं है ये, और कौन है तुम्हारे साथ? 4 3 अब तू भी नहीं बचेगा। 2 तेरे भाई की तरह तू भी मरेगा। 1 मुझे इंजेक्शन मिला। उस इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ सच बोलोगे, दैट्स ऑल। ओके, लेट्स गो। सच है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट की है। दे शूटिंग हरलीन, लेट्स गो। और वो सारे लड़के, दिलीप, जगी, हरभजन, सब सेम Boring, boring, boring. Look! But तुम नहीं, तुम बहुत exciting हो। Jump. You really excite me. Good. That's good. अब चलें। मसल्स कितने स्ट्रांग हैं,
मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने हैं, पर नहीं फाड़ सकती क्योंकि मैं एक्साइटिंग नहीं हूँ। हरलीन, we have to go. मैं तुम्हें सेक्सी लगती हूँ? बहुत। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्या? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? Thank God तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। मुझे सब याद रहेगा। सच तो ये है कि तुम मुझे नहीं चाहते। तुम्हें मैं boring लगती हूँ। राजवीर? हरलीन बाइक पर बैठो। Come on, hurry up. और मैं अपनी बोरिंग लाइफ जीने। तुम एक बोरिंग लड़की के साथ क्यों रहोगे? तुम बोरिंग नहीं हो हरलीन। तो मैं क्या हूं? बोलो ना, मैं क्या हूं? तुम सेक्सी, एक्साइटिंग, पागल और फिलहाल जिंदा हो। लेट्स कीप इट दैट वे, ओके? मेरी जिप खोलो। Hug me. मेरे गन्स मिले? तुम बहुत एक्साइटिंग हो हरलीन। अब गन्स निकालो एंड शूट। वजह से शोहेब मरा, इसने हामिद गुल की जान ली, कोहिनूर कोहिनूर तो ये रहा। अगर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो तो असली कोहिनूर तक भी पहुंच सकते हो। जब कोहिनूर मिल जाए तो आ जाना और इसे ले जाना। मुझे यकीन है कि तुम मुझे ढूंढ लोगे फिर से। खुदा हाफिज। कम ऑन,
तीसरी गोली चेहरे पे होगी अगर खामोश नहीं रही। David, check what's happening. We have to land the plane. Oh!
Well done. Thank you, sir. माँ बाप की जिंदगी भी अजीब है. एक बेटे ने फोर्स के लिए अपनी जान दी और एक बेटा जिंदा होकर भी उनके लिए अब जिंदा नहीं है. हरलीन को घर भेज दिया है और उसे यह कह दिया है कि अब वो तुमसे नहीं मिल सकती. तुम जानते हो कि इस मिशन के लिए जय मर चुका है. अब तुम राजवीर हो. इंटरनल सीक्रेट सर्विसेज को ज्वाइन करके तुमने अपनी जिंदगी हमें दे दी है. हरलिन तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, तुम्हारी कमजोरी बन सकती है. एनीवे, कल तुम्हें एक महफूज जगह ट्रांसफर कर देंगे. Till then, get some rest. क्या था इसमें? किसने बदले? यार, तुम बहुत सवाल करते हो. मैंने बदले, और जहां तक मुझे याद है मेरी आंखें भी बंद थी शायद. क्या दिन है आज? एक दिन